राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जितिया माता। प्रिय भक्तगणों, हर साल जितिया पर्व आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल यह व्रत 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस व्रत में माताएं संतान की लंबी आयु के लिए जीमूतवाहन की उपवास रखकर पूजा अर्चना करती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मन की हर मुराद पूरी होती है। यह व्रत खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल जैसे राज्यों में मनाया जाता है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कथा पढ़ने या सुनने से संतान की लंबी आयु होती है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन शुक्रवार 6 अक्टूबर को प्रातः काल 6:43 से यह व्रत शुरू होगा और अगले दिन मतलब 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 8:08 पर समाप्त होगा। जीवित पुत्रिका व्रत का पारण शनिवार सुबह 8:10 के बाद किया जाएगा। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली तथा लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। ये सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तब से संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। प्रिय भक्तगणों, पहले आइए जान लेते हैं जितिया के कुछ नियम और विधि के बारे में। आइए जानते हैं नहाई खाया 5 तारीख से ही शुरू होगा। इस दिन कहीं कहीं महिलाएं सुबह स्नान आदि करके दिन में अपनी इच्छा अनुसार 1 या 2 बार खाती पीती है और कहीं कहीं इस दिन बिना कुछ खाए पिए या सिर्फ पानी या नारियल पानी का सेवन कर पूरे दिन उपवास रखा जाता है। शाम के समय पूजा करके महुआ की लिट्टी, गेहूं के आटे की दूध पिट्ठी, देसी मटर करी, तोरी की सब्जी, अरबी की सब्जी, पकौड़े, खीर, रायता और ना जाने कितने व्यंजन खाए जाते हैं। शाम को यही सब खाकर महिलाएं अगले दिन व्रत रखती है। जितिया व्रत के कुछ नियम। जो भी महिलाएं जितिया व्रत रखती है उन्हें व्रत के दौरान संयम रखकर व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान गलत विचार मन में ना आने दे और किसी का भी निरादर ना करे। व्रत में तामसिक चीजों का इस्तेमाल ना करे। बहुत से जगहों पर इस दिन महिलाएं सर्गी ग्रहण करती है। जितिया व्रत की शुरुआत नहाई खाया से होती है। यह व्रत का पहला दिन होता है। अब अगले दिन जिस दिन जितिया का व्रत होता है उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर व्रती को प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय गाय के गोबर से पूजा स्थल को साफ किया जाता है। इसके बाद एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के पास एक पाकड़ की डाल लगाकर खड़ी कर दी जाती है। इसके बाद शालीवाहन राजा के पुत्र जिमूतवाहन देवता की पूजा की जाती है। फिर उन्हें दीप धूप, अक्षत रोली, लाल और पीली रुई से सजाया जाता है। इसके बाद मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। इसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है और फिर जीवित पुत्रिका व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत में खड़े अक्षत, चावल, पेड़ा, दूर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, पूजा की सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुशा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल, खली, गाय का गोबर पूजा में जरूरी है।
पूजा विधि में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, लेकिन श्रद्धा एक ही होती है। अब आइए जान लेते हैं। पारण समय। जितिया व्रत खोलने की विधि को पारण कहा जाता है। जितिया व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद नवमी तिथि में किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत का पारण 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 8:10 के बाद किया जाएगा। आप 8:10 के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं और पानी इत्यादि पी सकते हैं। कहीं कहीं पर लोग घर ज्योतियां भी करते हैं, यानी कि 1-2 घंटे और लेट करके वो इस पारण विधि को करते हैं ताकि उनका व्रत खर हो जाए। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार और कार्य क्षमता के अनुसार लोग इस व्रत को करते हैं। कई जगह पर महिलाएं प्रसाद के रूप में सिर्फ फल ले जाती है और कहीं कहीं पर महिलाएं गुजिया, हलवा, ठेकुआ, चूरन इत्यादि प्रसाद के साथ 5 प्रकार के फल लेती है तथा नारियल भी साथ में लेकर इस पूजा को करती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार सिर्फ फल से ही यह व्रत पूर्ण कर सकती है। जय हो ज्योतिया माता, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह व्रत विधि जानकारी तथा ये कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई है, हमारी जानकारी पसंद आई है, तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय ज्योतिया माता अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।